गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत देर हो चुकी है लेकिन एक खबर आई सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कि रिलेटेड है संदीप सिंह और अर्नब गोस्वामी के, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। पूरा दिन आज सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स रहे लेकिन रात होते होते एक और डेवलपमेंट हो गई है। डेवलपमेंट्स आपको पता ही हैं क्या क्या रहे। आज पूरा दिन एक प्रोटेस्ट और एक रैली हुई पटना में। सुब्रमण्यम स्वामी जी को मिनिस्ट्री से एक जवाब मिला कि सुधीर गुप्ता को खुद ही इन राइटिंग में उनके सवालों के जवाब देने हैं। अब संदीप सिंह ने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है अर्नब गोस्वामी पर, जो कि रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ हैं, और एक लीगल नोटिस संदीप सिंह ने भेज दिया है। और ये डिफेमेशन केस है 200 करोड़ का। संदीप सिंह का जो लीगल नोटिस है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि 6 पन्नों का नोटिस है, जो उसमें मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या क्या लिखा है इस नोटिस में अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक टीवी। हालांकि इसमें उन्होंने गणेश वारकर और स्मिता पारेख का भी नाम लिया है रिलेटेड टू द शोज, जिस शोज में वो आए थे डेट वाइज मेंशन किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीगल नोटिस में क्या शुरू किया है। दैट माई क्लाइंट इज़ अ वेल नोन रिप्यूटेड एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर इन द बॉलीवुड अगेंस्ट हुम यू हैव रनिंग एंड एयरिंग डिफेमेटरी न्यूज आइटम्स विद क्रिमिनल इंटेंट टू एक्सटॉर्ट मनी despite the fact that you were very well aware that my client and say late Sushant Singh Rajput were known to each other from the days of their struggle. वहीं उन्होंने अपने पॉइंट्स को ऐड करते हुए लिखा दैट माय क्लाइंट रिसीव सेवरल मैसेजेस फ्रॉम योर करस्पॉन्डेंट एम्प्लॉयज विद क्रिमिनल इंटेंट एंड इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्शन यू हैड पब्लिकली डिमांडेड माय क्लाइंट अरेस्ट एंड टर्म्ड him as key conspirator and murderer. You, the above notices falsely imputing my client in TV debates, programs, social media and platforms almost every day without any content evidence and intentionally interfering in the investigation carried out by the investigation agencies such as CBI and Mumbai Police. That now the truth has prevailed that you have been completely exposed as a key conspirator by the airing malicious contents as part of propaganda to malign my client with sole motive to extort money and grab TRP. That there have been several instances which establish your fraudulent design and modus operandi of airing baseless news items. ये बहुत ही लंबा notice है, मैं इसको cut short करके आप लोगों को बताता हूँ। So I am sending my लीगल नोटिस, ये मैं सेकंड लास्ट पेज पर जा रहा हूँ, सीधा लास्ट पेज पे। सो आई एम सेंडिंग दिस लीगल नोटिस हियर बाई कॉल्ड अपॉन ड्रॉप डिलीट एंड रिमूव ऑल द मेलिशियस फुटेज एंड आर्टिकल्स टेलीकास्टिंग फोर्थ विथ अगेंस्ट माई क्लाइंट और एनी वन ऑन योर बिहाफ और एनी अदर प्रिंट ऑनलाइन फॉरम एंड टी वी व्हाट्स ओवर एंड टेंडर रिलीज एंड अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलोजी इन राइटिंग and video to my client for your vexatious and frivolous allegation you have already made. The said apology should include the true facts about the integrity of my client and can be evidenced from his impeccable track record. Further, you are required to compensate my client to the tune of rupees 200 crores for maligning his image in public and damages you have made till date. If you fail to comply with the requirements stated above within 15 days, from the receipt of this notice, I have a clear instruction to take strict legal action against your notices by filing civil as well as criminal cases in appropriate courts of law, which shall be solely at your own risk, cost and consequence. And kindly note that this notice is served upon you without prejudice to any other rights and entitlements available to my client in accordance with law. A copy of this notice has been retained in our office for future reference. मिस्टर आर कुमार एडवोकेट जो भी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट द लीगल नोटिस इज़ ऑल अबाउट। ये नोटिस और केसेस का दौर चालू है। बॉलीवुड ने रिपब्लिक
पब्लिक और टाइम्स नाउ के दोनों दो दो एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सूट फाइल किया। अब संदीप सिंह का ये 200 करोड़ का डिफेमेशन केस, जो संदीप सिंह का कहना है कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डिबेट्स हैं रिलेटेड टू संदीप सिंह, डिलीट किया जाए और ऑन एयर माफ़ी मांगी जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिस जो संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर भेजा है। 200 करोड़ का नोटिस है ये। डेवलपमेंट्स कंटिन्यूस हैं, टग ऑफ वार बोथ साइड से है, लेकिन असली बात कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या डेवलपमेंट है, जो कि पूरा देश वेट कर रहा है कि सीबीआई अपनी बात, अपनी रिपोर्ट ऑन पब्लिक डोमेन बताएं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्या आगे का रुख रहेगा। तो फिलहाल इतना ही सुशांत सिंह राजपूत केस में, और भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ कल सुबह साझा करूंगा। फिलहाल के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।